सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में पोकेमोन अल्ट्रा सन गेम को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई गेम जो है बिल्कुल हाईली कंप्रेस पार्ट्स में आपको मिलने वाला है। भाई गेम जो है भाई मैंने दिया है मतलब दो तरीकों से डाउनलोड लिंक्स दिए हैं इसका। एक जो है पार्ट आपको मिल जाएगा मतलब कि पूरा पार्ट 1.7 GB का इसका गेम का साइज है, 1.7 GB का पूरा पार्ट मिल जाएगा। जिनके पास भाई वाईफाई अनलिमिटेड वाईफाई वगैरह है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं 1.7 GB एक साथ, वो वाला पार्ट यूज़ करना। और जो भाई मतलब अपना डाटा यूज़ करते हैं जिनको भाई एक दिन का 1 GB या 1.5 GB या 2 GB मतलब कि 1.5 GB मिलता है तो भाई वो दो बार में से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई एक दिन 900 MB डाउनलोड कर लो, एक दिन 900 MB डाउनलोड कर लो, दो पार्ट्स में मैंने दे रखा है। तो दोनों तरीकों से अगर आप पार्ट वाला डाउनलोड करते हो तो आपको दोनों ही पार्ट डाउनलोड करने पड़ेंगे, वरना अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिए। गेम जो है भाई बहुत बढ़िया है, आपके इतने ज़्यादा कमेंट आए भाई गेम के लिए तो मैंने सोचा भैया डाल ही दिया जाए। आज भाई संडे भी है तो भाई गेम को डाल डुला के भाई ख़त्म करो इस गेम को भाई। और भाई अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब आपने जो बोला था भाई गेम डालो तो गेम डाल चुका है, तो सबसे पहले वीडियो पर जो है भाई लाइक करना, लाइक तो आप कर दोगे 600, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी लोग लाइक जो है कंप्लीट करोगे। लेकिन मेन एम है भाई आज का, आप जो है मैं सपोर्ट करो भाई जो दूसरा चैनल मैंने क्रिएट करा है भाई पबजी मोबाइल, जिस पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, डेली कस्टम रूम हम बनाते हैं भाई, उस चैनल को जाकर यार सब्सक्राइब करो। उस पे यार अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 5K करके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई जल्दी से जाओ और उस चैनल को भाई जरूर से जरूर सभी लोग जो भी देख रहे हैं भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई सभी लोग जाकर भाई उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले भाई। इतना आप कर दोगे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई मैंने आपके लिए वीडियो लाया हूँ तो भाई आप भी उस चैनल को जाकर भाई सब्सक्राइब करो। तो भाई आज की इस वीडियो को भाई बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्नो गेमर्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस सबसे पहले जाना है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको जो है भाई गेम के डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पर मैंने लिखा होगा भाई डाउनलोड लिंक्स, उसके आगे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। वहां पर आपको भाई जाकर सिट्रा एमुलेटर, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं कर रखा तो सिट्रा एमुलेटर आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है, 15 MB का एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको भाई 1.79 GB की जो भाई एक रार फाइल मिल जाएगी, जो कि भाई गेम है रियल मतलब कि जो मेन फाइल है वो 1.79 GB की मिल जाएगी। अब आप ये लोग आप लोग ये सोचेंगे भाई गेम हमारे को तो 1.5 GB डेली का इंटरनेट मिलता है, तो ये तो फाइल है भाई 1.79 GB के। तो भाई मैंने इस फाइल को भाई दो पार्ट्स में करके भी डाला हुआ है। अगर आपके पास भाई दिन का कम नेट मिलता है तो आप इस फाइल को दो पार्ट्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि मैंने वो फाइल के साइज़ जो है मतलब कि 1 GB का और एक 800 GB के करीब का, तो वो दो पार्ट्स में ठीक है, मैं 900 के दो पार्ट्स मैंने डाल दिए ठीक है भाई। तो आपके डेली के 900 MB लगेगी, एक बार एक दिन में एक पार्ट करना और अगले दिन 900 MB का दूसरा पार्ट कर लेना ठीक है, समझ गए होंगे आप हमेशा की तरह जानते हैं। उनको भी डाउनलोड करके कुछ सिंपल इसी तरीके से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों ही फाइल को आपने डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके पास नेट कम है। अभी भाई जिनका वाईफाई वगैरह अनलिमिटेड नेट होता है, तो मैंने तो भाई पूरा वाला पार्ट यहाँ पर इस टाइम शो करने के लिए रखा हुआ है। तो चलो भाई इसको हम जो है एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं यहाँ पर, कि जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पर दबाया और ये जो भाई एक्सट्रैक्ट होने लगे, pokemon.com को भाई थैंक यू कहना चाहूँगा, उनकी तरफ से फाइल जो है डाउनलोड करने को मिल गया तो थैंक यू कहना चाहूँगा। तो चलो भाई इस फाइल को हम पूरा एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो भाई जब भी आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करो तो लगभग भाई 5 से 6 GB का स्टोरेज आप अपने डिवाइस में खाली रखना, जैसे कि 1. जब अगर गेम डाउनलोड करने से पहले भाई आप देख लेना कि आपके डिवाइस में 5 GB की स्टोरेज जो है भाई होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे डिवाइस में इस टाइम भाई 32 GB खाली पड़े, तो आराम से फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो भी हम चलते हैं सिट्रा एमुलेटर को एक बार एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये लो भाई ये तो बड़ी जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके गाइज इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक सेकंड में से बैक हो गया। हाँ तो वैसे वो इंस्टॉल हो चुका होगा फास्ट, ये मतलब कि अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन अपडेट होते रहता है तो भाई इंस्टॉलेशन जो है भाई फास्ट हो जाती है। देखो भाई इंस्टॉल पड़ा हुआ है मेरा भाई सिट्रा एमुलेटर, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं सिट्रा एमुलेटर जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर भाई आपको एक प्लस का बटन दिखेगा, इस पर आपने टैप करना। और ये जो मेरा ये TG डाउनलोड्स, तो इसमें हम चलते हैं और यहाँ पर आपको जो भाई गेम मिल जाएगी, अपने वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। आपको गेम यहाँ नहीं दिखेगी, आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी भाई इस वाले फोल्डर में जो गेम की फाइल है वो पड़ी हुई है। देखो भाई तो आपने वहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं हमारी गेम जो है आ गई है पोकेमोन अल्ट्रा सन। उसके बाद आपने भाई अपनी गेम को जो है ओपन करना है। तो ये देखिए भाई गेम ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे। भाई ये थोड़ा सा कंट्रोल को अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से आपके कंट्रोल जो है भाई सेट होंगे। ये देखो भाई यहाँ पर आपने जाना, और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई गेम, क्योंकि हमारा जो है चल पड़ा है, बहुत ही बढ़िया गेम है। अभी हम चलकर देखते हैं भाई गेम को चलाना किस तरीके से। सबसे पहले आपने भाई यहाँ पर जाना है कॉन्फिगर कंट्रोल्स, तो यहाँ पर भाई इसे आपने एडिट करना है। मैं आपको बताता हूँ एडिट लेआउट,
एडिट लेआउट करेंगे तो भाई यहाँ पर आपने जो आर का बटन है इधर करना है, इधर करना है, इधर 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 सब कुछ बिल्कुल मतलब कि सेट करना है पहले सारा। भाई मेरे डिवाइस में पोकेमोन का गेम नहीं चल रहा था, मतलब कि मैंने सिट्रा की गेम्स नहीं चल रही थी, पर भाई ये वाली गेम जब पता नहीं कैसे वर्क कर गई तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई। मैंने कोई सेटिंग नहीं करी बिल्कुल भी, और अगर आपका सिट्रा क्रैश करता है तो भाई इसको आपने बिल्कुल आराम से सेट कर लेना है भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई गेम जब मेरा चलाना, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम कैमरे के लिए यहाँ लगाते हैं, और जॉयस्टिक का बटन इसमें कहाँ चला गया मेरे भाई। ए बी इसको मैं सिंपली आप जैसा चाहें, जैसा आप कंट्रोल करना चाहें आप इसे वैसा सेट कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में होता है सेट किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके तो ये है भाई हमारे पास एक आर का बटन, ये है आर का बटन हम राइट में रखते हैं और एल का बटन लेफ्ट में रख देते हैं। और ये वाला जो बटन है ये शायद से आई थिंक जॉयस्टिक का है, तो इसको हम यहाँ रखते हैं। कैमरे का ऑप्शन यहाँ रखेंगे, और ये क्या चीज़ है भाई इसको यहाँ रखो, ये वाला थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको और ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। अबे तेरी तो एक ही बटन है, आने का नाम नहीं ले रहा भाई। इधर छोटा सा बटन है, इसको मैं लेकर आता हूँ। हाँ भाई ये भी आ गया, और एक ये होम का बटन, इसको वापस उधर कर देते हैं भाई। बहुत ही सही, ओके। एक इसको थोड़ा सा नीचे करो भाई, कैमरे का बटन मैं इधर रखूँगा। इन चारों को भाई पूरा सेट कर देता बराबर। तो भाई आप भी कुछ इसी तरीके से सेटिंग कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। और ये जो बटन जो छोटे वाले, इनका साइज आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने इन्हें छोटा ही रखा हुआ है। ओके इसके बाद इसे डन करना है। और एक सेकंड एक चीज़ तो रह गई, दोबारा से लेआउट को आप एडिट करेंगे। देखो लेआउट को एडिट करने, कॉन्फिगर कंट्रोल्स एंड एडिट लेआउट, इसको मेरे को ऊपर रखना है, ठीक है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ से जॉयस्टिक को मूव करूँ तो इस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इन दोनों को हम एकदम सामने रखते हैं। ओके डन, दिस इज़ माय सेटिंग। एंड यू कैन सी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा यहाँ इंग्लिश पे करने के लिए बोल रहा है, तो हम इस पे ए वाले बटन से जो है वर्क करता है मुझे मालूम था। उसके बाद ये चाइनीज़ पता नहीं क्या आ जाती है यार, फिर से ए पर क्लिक करते भाई हम एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ। ओके तो यहाँ पर गेम जो भाई स्टार्ट हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है भाई। देखते हैं गेम कैसा चलता है भाई। FPS आपको शो हो रहा होगा, कितना कम FPS यहाँ पर आ रहा है भाई। यहाँ पर अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इंग्लिश में जो हमारी गेम हो गई है फिलहाल तो, और किस तरीके से स्किप करते मैं देखता हूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको सीधा गेम प्ले दिखाता हूँ। तो भाई इस गेम में स्टार्टिंग में तो यार बहुत ही ज़्यादा गेम प्ले दिखाया जाता है, पूरी स्टोरी क्योंकि आपको बताई जाएगी कि भाई गेम किस टाइप का क्या करना है। तो भाई पूरा गेम प्ले देखने के बाद मैं भाई यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो भाई स्टार्टिंग में आपको भाई पूरा गेम प्ले जो है यहाँ पर भाई देखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गेम स्टार्ट होगी। इसके बाद भी मुझे नहीं पता कि भाई क्या क्या हुआ गेम प्ले दिखाया जाता है। भाई मैं आज की इस वीडियो में भाई यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ भाई 600 लाइक्स के लिए। तो भाई जल्दी से अगर भाई इस पर 600 वीडियो पर लाइक कंप्लीट करो, और गेम आपका 100% यहाँ पर चलने वाला है। बिल्कुल आगे तक मैं खेलता, मेरे को गेम प्ले भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आज तक पोकेमोन अल्ट्रा सन की गेम प्ले नहीं देखे। जो भी पोकेमोन का फैन है तो वो जरूर इस गेम को डाउनलोड करके खेलना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है भाई। तो और भाई यार याद रखना कि आपने भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा दूसरे चैनल का लिंक वहां पर है, उसी चैनल को भी आपको जाकर भाई सब्सक्राइब करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।